Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम बात करेंगे C language में matrix के बारे में. तो आइए देखते हैं कि matrix क्या होता है और उसको कैसे हम बना सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको एक demo देकर समझाता हूँ कि ये matrix होता क्या है. देखिए matrix जो है, जैसे अब अगर आप matrix का addition कराना चाहते हैं तो आपको corresponding element का addition कराना होगा. कैसे होगा ये, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिखा 7, फिर 8, फिर 9, ये लिख दिया हमने. और यहाँ पर अलग मैट्रिक्स, यहाँ 10, फिर 9, फिर 8, फिर यहाँ लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9. इतना लिखने के बाद, जैसे और भी हो सकते हैं, corresponding element को add करने का क्या मतलब है, जैसे ये 1 है ना, इस 1 को add करेंगे 10 से, ठीक है, इस 2 को add करेंगे 9 से, 3 को add करेंगे 8 से, ठीक है, 4 को add करेंगे 4 से, 5 को add करेंगे 5 से, 6 को ऐड करेंगे 6 से, 7 को ऐड करेंगे 7 से, 8 को ऐड करेंगे 8 से और एट लास्ट 9 को ऐड करेंगे 9 से. इनकी संख्या 3, 4, 5 जितना भी चाहें आप हो सकती है, ठीक है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग ही इनको ऐड किया जाएगा. जैसे ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 और 1 2, तो इन दोनों को हम करेस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यही जो है मैट्रिक्स कहलाता है. तो आइए अब प्रोग्राम की बात करते हैं. थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो हल्का फुल्का आपको सी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी. तो चलिए आइए अब जानते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले हमें टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद यहां टर्बो सी ओपन हो रहा है और यहां देखिए ये ओपन हो चुका है. अब यहाँ पर हम न्यू फाइल देखिए यहाँ ले चुके हैं और यहाँ पर अब हमें ऐड करना होगा. कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे. तो हम लिखते हैं हेडर फाइल, सी लैंग्वेज की होती है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है. इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहां टाइप करना है void main. void एक कीवर्ड होता है, main हमारा main function होता है, ठीक है, और उसके बाद curly bracket लगाएंगे as usual, आप जानते हैं. जैसा कि यहां पर हमें variable बनाना है, आइए अब variable बनाते हैं. यहां पे सबसे पहले मैं int type का variable बताऊं, int यानी integer type का, या तो plus होगा या तो minus होगा. integer type के जो भी variable हम बनाते हैं वो तो या तो plus में होते हैं या तो minus में होते हैं. यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ए नाम से, ए नाम से वेरिएबल बना लिया. और ये ए नाम का जो वेरिएबल है ना, इसमें हम यहां पे एरे में 3 रखेंगे, ठीक है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए. तो ये बना लिया हमने. इसके बाद हम कॉमा देंगे क्योंकि दूसरा वेरिएबल अब बनाना है. तो यहां बी नाम का वेरिएबल बना लिया हमने और इसमें भी हम 3 रखेंगे. ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स हो गया. इसके बाद हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि इसी में हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे, ठीक है. तो अब तीसरा वेरिएबल भी हम बनाने वाले हैं. तो तीसरा वेरिएबल हम बना लेते हैं सी नाम से और इसमें भी 3-3 हम स्टोर कराएंगे. तो ये तीसरा वेरिएबल भी बना लिया. अब हमें लूप भी चलाना है, तो लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल और बनाने होंगे, एक जे और एक आई, ठीक है. मैं आई लिखता हूँ और एक लिखता हूँ जे. अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को, मतलब इस लाइन को टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कोलन लगा देते हैं. लगा दिया. अब यहां पे प्रेस करेंगे हम CLR SCR ताकि पुराना आउटपुट हट जाए. पुराना आउटपुट अगर हमने काम किया होगा कुछ तो वो हट जाएगा CLR SCR लिखने से. CLR SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें स्क्रीन पे क्या दिखाई देना चाहिए वो हमें यहां पे देना है. तो हम प्रिंटएफ लिखेंगे. प्रिंटएफ में जो हम लिखते हैं वो जस का तस प्रिंट होकर आता है. तो यहां लिखेंगे एंटर
9 numbers for first matrix. ओके, ये लिखने के बाद हमें करना है इसको बंद कर दिया। अब हमें सेमी कोलन लगा करके इसे टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट भी हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां पे लगाएंगे फॉर लूप, ठीक है। लूप हम रिपीट करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीट करना है तो इस वजह से हम लूप लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा जब ये पूरा प्रोग्राम बन जाएगा तो क्या महत्व है इसका। तो हम i की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और i इज लेस देन और इक्वल टू टू, चूंकि दो, देखिए एरे का बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से, यानी अगर आपने लिखा a 3 एरे में लिख दिया 3, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है a 3, तो आपने लिख दिया a 3, तो a 3 का मतलब क्या हुआ, a 3 का मतलब हुआ कि इसमें चार एलिमेंट ऐड होंगे, चार जो है नंबर ऐड हो जाएंगे, जैसे पहला हुआ a 0, फिर a 1, a 2, a 3, ठीक है। तो इस तरह से करके चार इसमें वैल्यूज रखी जा सकती हैं, a 3 का मतलब ये हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमने यहां पे i की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट किया है, i इज लेस देन और इक्वल टू टू करेंगे, यहां इसको टर्मिनेट करेंगे और फिर यहां को यहां पर आकर के i प्लस प्लस कर देंगे, यानी i की वैल्यू बढ़ते रहेगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब यहां पर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए लगा लिया, अब रो के लिए लगा लेते हैं। तो j की वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे जीरो से, j इज लेस देन और इक्वल टू वही टू, ठीक है, और j प्लस प्लस कर देंगे, इसको बंद करेंगे, यहां से बंद करने के बाद यहां पे हमें अपना स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ क्यों देंगे, क्योंकि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं, इसीलिए हम यहां पे स्कैनफ देने वाले हैं, ठीक है। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो वहां स्कैनफ का प्रयोग करना होता है, तो स्कैनफ यहां लिख लेते हैं हम, तो यहां लिखूंगा मैं स्कैनफ, बंद किया हमने, यहां ब्रैकेट को ओपन किया और यहां लिखा परसेंट डी। परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हम इंटीजर के लिए लगाते हैं, अगर आप फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो परसेंट एफ लगाएंगे, इंटीजर के लिए हम क्या लगाएंगे, परसेंट डी लगाएंगे। चलिए परसेंट डी लिख लिया हमने, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें देना है यहां पे एड्रेस ऑफ ए आई जे, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए आई जे, यानी यूजर जो एंटर करेगा उसमें आके स्टोर हो जाएगा, बात समझ में आ रही होगी आपके। टर्मिनेट करेंगे इस प्रोग्राम को, टर्मिनेट करने के बाद जब नीचे आएंगे तो फिर हम यहां दूसरा वाला प्रिंट एफ देंगे, तो यहां लिखता हूं मैं प्रिंट एफ, क्योंकि दो मैट्रिक्स एंटर कराने हैं तो यहां पे दूसरा वाला तो देना ही पड़ेगा प्रिंट एफ। एंटर 9 नंबर्स फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, ओके। इसको लिखने के बाद डबल इंटर कॉमा क्लोज करिए आप और टर्मिनेट कर दीजिए इस लाइन को, ये लाइन टर्मिनेट हो गई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम फिर लूप लगाएंगे, तो यहां लगा लेते हैं हम फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाने के बाद आई की वैल्यू को वही जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट कर रहा हूं आई इज इक्वल टू जीरो और आई इज लेस देन और इक्वल टू टू, ठीक है, और i प्लस प्लस कर लेंगे, i की वैल्यू बढ़ते जाएगी, बंद करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहां पे फिर फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, एक फॉर लूप रो के लिए एक फॉर लूप कॉलम के लिए, तो ये दोनों के लिए लगाना होगा। तो अब यहां j की वैल्यू को स्टार्ट करेंगे जीरो से, ठीक है, और j इज लेस देन और टू टू, ये कर दिया हमने, j इज लेस देन और इक्वल टू टू, और j प्लस प्लस कर देंगे तो j की वैल्यू बढ़ते जाएगी, ठीक है। इतना करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहां फिर स्कैनफ लगाएंगे, क्योंकि यूजर ही इंटर करेगा इस वजह से यहां स्कैनफ ही लगाएंगे। परसेंट डी दिया हमने, एड्रेस ऑफ, ठीक है, अब यहां पे एड्रेस ऑफ क्या देंगे, वहां पर तो हमने दे दिया, यहां पर एड्रेस ऑफ आई और जे, फिर वही चीज, ठीक है,
यहां पे क्या देंगे, यहां पे देंगे बी, ठीक है। यहां पर हमने क्या दिया था, ए दिया था, एड्रेस ऑफ ए, यहां पे देंगे एड्रेस ऑफ बी आई जे, ठीक है। इतना देने के बाद इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, बंद करने के बाद इस लाइन को कर दीजिए टर्मिनेट, क्योंकि सेमीकोलन लगाने से लाइन टर्मिनेट हो जाती है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपके। यहां से नीचे आते हैं, स्कैनअप तो हमने लगा लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट एफ लगाना है, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ में लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहां सम, सम माने जोड़ना होता है, सम ऑफ टू मैट्रिक्स, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग ऐड कराना चाहते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उनके ऐड होंगे, तो इस वजह से हम ये लिख रहे हैं यहां पे, सम ऑफ टू मैट्रिक्स इज, इसलिए लिखा गया क्योंकि इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें बैकस्लैश एन लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने लगा दिया बैकस्लैश एन, ठीक है, और यहां बैकस्लैश एन लगा दिया। अब इस और बंद करने के बाद इसको टर्मिनेट भी कर देंगे, तो ये कर दिया हमने, और इतना करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है वापिस से, ठीक है। तो यहां फॉर लगाते हैं, देन और इक्वल टू टू आई, पहले आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कराएंगे, फिर यहां लिखेंगे आई, एक मिनट, आई इज लेस देन और इक्वल टू टू हो गया, ठीक है, और फिर यहां लिख प्लस, ठीक है, और फिर नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर एक और लूप हमें लगाना है। आपको जैसा याद है कि यहां पर भी हम लूप लगाते आए हैं, यहां पे भी लगाया है, तो यहां पे भी लगाना होगा। फॉर लूप लगाया हमने, लेस देन और इक्वल टू टू, ठीक है, और फिर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो ये जे प्लस प्लस हो गया। अब नीचे आएंगे तो क्या करना है हमें, नीचे आने के बाद हमें लगाना है एक कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि क्या हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन काम है जोड़ने वाला, जो आपका लॉजिक है, यहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, सी इज इक्वल टू, तो सी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एरे बनाया है, तो सी आई, पहले क्या जोड़ेंगे, ए आई जे, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं ए आई जे, जे ये हो गया मैट्रिक्स का एडिशन, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां पर टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद यहां प्रिंट एफ लिखेंगे, और जो प्रिंट कराना है हमें यहां प्रिंट कराएंगे, तो यहां लिखते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। और प्रिंट एफ लिखने के बाद स्क्वायर यहां पर लिखेंगे परसेंट डी, चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, और यहां पे परसेंट डी लिखते वक्त एक काम और करेंगे हम, यहां परसेंट डी तो लिख देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा गैप दे देते हैं, और फिर इसको बंद करते हैं। इसका फायदा अभी आपको पता चलेगा। और यहां पे लिखेंगे सी, वैल्यू किसमें स्टोर होगी, सी आई जे, ठीक है। अब इसको करेंगे यहां से बंद हम, ठीक है, बंद कर दिया। अब क्या करना है आपको,